भाई साहब, एक ऐसी मूवी आ रही है जो वायलेंस को भरपूर तरीके से प्रमोट कर रही है और आपको पास्ट में एक ऐसे एरा पे लेके जाएगी जहां की एक सिविलाइजेशन आपको ऐसे हिट करके जाएगी कि भाई ऐसा भी हुआ करता था क्या, कि इफ यू हैव मैन पावर तो किसी भी सत्ता को हासिल कर सकते हो। और दो चेहरे उसमें ऐसे जोड़ रहे हैं जिसमें जो खुद में ही एक मूवी है, खुद में ही एक पहचान है भाई। उनके जब वो किरदार करते हैं तो उनसे उनकी किरदार की पहचान नहीं होती है, उस किरदार से उनकी पहचान होती है भाई। लॉर्ड बॉबी देओल और सूर्या, क्योंकि हम एनिमल में लॉर्ड बॉबी देओल को देख चुके हैं, व्हाट अ फाइन विलेन, क्या दमदार विलेन बन के उभरे थे। और दोनों ही विलेन हैं अपने पास्ट में। सूर्या को रोलेक्स में देख चुके हैं, एलसीयू कनेक्शन में भाई, डेडलीस्ट मोस्ट टॉक्सिक विलेन ऑफ। और इस टाइम पर भाई एक पॉजिटिव पार्ट में है तो एक निगेटिव पार्ट में है, लेकिन लॉर्ड बॉबी देओल ये सिर्फ एनिमल में झांकी थी भाई, यहाँ पर पूरा जानवर बन के उभरता नजर आ रहा है। दर्शक बाद विजुअल्स की अगर बात करें इस मूवी में तो भाई कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे आप वो सिप्स का विजुअल ले लो, चाहे वो लासो का विजुअल ले लो, देन उसके बाद कोई पहाड़ों का विजुअल ले लो। पास्ट का कनेक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है, टाइगर वाला वो कनेक्शन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। एवरीथिंग इज गुड, बस ये है कि भाई VFX का पार्ट अगर थोड़ा सा भी ढीला पड़ गया, क्योंकि मूवी का बजट कोई ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। मूवी का बजट लगभग 280 से 300 करोड़ के आसपास दिखाया जा रहा है, जो उस रेंज में इतना सब कुछ दिखाना एक बार के लिए बहुत टफ टास्क है। बाकी सूर्या को इस अवतार में देख के भाई दिल गदगद हो चुका है, क्योंकि सूर्या को हमने रोलेक्स में देखा था और हम सोच रहे थे कि भाई इससे फाइन और क्या हो सकता है। लेकिन मोर देन रोलेक्स भाई, वो निगेटिव करेक्टर था, लेकिन एज पॉजिटिव करेक्टर के बाद भी वो बंदा सूर्या से भी, रोलेक्स कैरेक्टर से भी दमदार लग रहा है। देन उसका लॉर्ड बॉबी देओल को तो हम जानते ही भाई, 15 मिनट में जो उसने आग लगाई है और इस बार तो पूरा उसको स्क्रीन मिल रही है, मोस्ट टॉक्सिक विलेन होने वाला है यहाँ पर। एक चीज है भाई, इन दोनों की किस्मत अच्छी चल रही है या फिर इन दोनों का विजन बहुत अच्छा है कि भाई यहाँ से अगर हम ये किरदार पकड़ेंगे, और सिंपल है कि इस किरदार में ये लोग घुसते नहीं है भाई, उसमें ऐसी निखार लेके आते हैं एक बार के लिए लगता है कि यार ये असली तो नहीं है। टीजर की लेंथ बहुत ही फाइन है, लगभग 1 मिनट के आसपास का टीजर है। टीजर को एज टीजर ही दिखाने की कोशिश की है, बहुत कुछ रिवील आउट करने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन भाई साहब प्रॉमिसिंग है फुल टीजर। यहाँ से फुल वाइब देके जा रहे हैं कि वो जो सीन देखने को मिल जाएगा जो हमने बाहुबली के टाइम पर देखा था, सलार के टाइम पर देखा था, जवान के टाइम पर देखा था, बस ये है कि स्टोरी का जो पार्ट होगा वो दमदार होना चाहिए। अगर इस पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा ढीला बन आ गया तो भाई फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज गुड। एक्शन के मामले में ये मूवी फाड़ के जाएगी, मासी, रस्टी, राउडीनेस एंड देन टॉक्सिक, वो मास वाला जो एक्शन देखने को मिलेगा वो सब चीज दमदार देखने को मिलेगा। मैन पावर्स में भाई मार काट खून खराबे की वॉयलेंस की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि अपना जो पार्ट है भाई सूर्या वो भी एज निगेटिव ही देखने को मिल रहा है, लेकिन बस ये है कि अब वो अपने लोगों के लिए लड़ेगा, वो अपने लोगों के लिए लड़ेगा। मूवी को प्रॉमिस करा जा रहा है दो पार्ट में लाने के लिए, लेकिन समटाइम ऐसा होता है जो हमने सलार में देखा था कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने सिर्फ स्टोरी बिल्डिंग करी है जो कनेक्ट नहीं करके गया उतना ज़्यादा, लेकिन बाहुबली जैसा हिसाब किताब उन्होंने सेट कर दिया कि फर्स्ट पार्ट में भी ऐसा कुछ दिखाया जाए कि पब्लिक डिमांड बन जाए, ना कि ये कि भाई साहब ये सारी चीज़ें जब फर्स्ट पार्ट में हुई है तो आगे क्या देखने को मिलेगा, मतलब एफर्ट नहीं लगना चाहिए। वो वाला कनेक्शन मिल गया तो भाई ये मूवी डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस तो फाड़ेगी, और कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी, कितने रिकॉर्ड न्यू क्रिएट करेगी किसी को कुछ नहीं पता है। बाकी वेट है, अगर आपने टीजर नहीं देखा तो जाके जरूर देखो। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भाई, एक लाइक एक सपोर्ट और बस यूँ ही हम बने रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।